किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल में दिनांक 31/08/24 को शिक्षक अभिभावक दिवस पर महिला आत्मरक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना ट्रांस यमुना के पुलिस अधिकारी और महिला पुलिसकर्मी ने आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटे को जागरूक करो और बेटे को भी पढ़ाओ के स्लोगन के साथ कार्यक्रम की शानदार शुरुआत की। कार्यक्रम का शुभारंभ पीता काटकर एवं मिफ्रे फाउंडर और सरस्वती माँ के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थाना ट्रांस यमुना प्रभारी प्रिया मैडम, सुचिता मैडम, अजय वर्मा, सोहन पाल, वीरेंद्र कुमार मित्तल प्रदेश मंत्री और मिफ्रे अध्यक्ष, मनीष कुमार मित्तल मिफ्रे डायरेक्टर आदि सभी उपस्थित रहे। सभी विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम अभिभावकों की गोष्ठी के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी पुलिसकर्मियों ने महिला सुरक्षा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आत्मरक्षा, बेटे को भी पढ़ाओ बेटे को समझाओ ऐसी सभी सीखों को कार्यान्वित कराया और उनके बारे में सभी को अवगत कराया। सभी अभिभावकों ने इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाया और अपने विचारों और सवालों को निसंकोच बयां किया। प्रदेश मंत्री बीजेपी प्रणेत और मिफ्रे अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मित्तल ने सभी महिलाओं और बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं पायल, विशाल, प्रीति, हीना दुर्गेश, लवली आदि का सहभाग रहा। नमस्कार, मैं ममता बघेल, सुपरवाइजर ऑफ किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल। आज हमारे स्कूल में महिलाओं और बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें ट्रांसजेंडर थाना से वहाँ की महिला प्रभारी और थानाध्यक्ष वगैरह आए गए, जिसमें सेल्फ मोटिवेशन के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें बताई गई और बच्चों को इन चीजों के बारे में, सेल्फ डिफेंस के बारे में मोटिवेट किया गया। धन्यवाद। किड्स वनस्थली स्कूल में फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं यहाँ के स्टाफ से मिली, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे टीचिंग दी जाती है यहाँ पे बच्चों को, और बेटी बचाओ के बारे में पढ़ाया जाता है उनको। बहुत अच्छी बात है कि उनको ये सिखाया जा रहा है स्कूल में, इससे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। नमस्कार, मैं नूपुर सिंघल, प्रिंसिपल डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज एंड मिक्स कोऑर्डिनेटर। जैसा कि आप जानते हैं, किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल हर बार प्रति माह होने वाली पीटीएम में कुछ ना कुछ स्पेशल अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए रखता है। तो इस बार का जो एजुकेशनल मीट रही, उसमें जो आजकल भ्रष्टाचार चल रहा है लड़कियों के खिलाफ, जो एक चीजें चल रही हैं, उससे कैसे हम अपने आप को बचा पाएं, उसके लिए किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, हम सभी ने मिलकर, टीम ने मिलकर आज ट्रांस यमुना थाने से सारी महिला पुलिस अधीक्षकों के हम बुलाकर अवेयरनेस प्रोग्राम कराया। जैसा कि अवेयरनेस प्रोग्राम में आकर सभी महिला पेरेंट्सों ने बढ़ चढ़कर यहाँ भागीदारी ली, अपने जितने भी डाउट, जितने भी डर थे, वो सभी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर बातें साझा किए। साथ में सभी पुलिस कर्मियों ने, महिला पुलिस कर्मियों ने किस तरह से अपना बचाव बच्चियां बीच रस्ते में या अकेले होने पर कर सकती हैं, उसका पूरा प्रारूप या वह प्रशिक्षण बच्चियों को सिखाया, और जिससे कि वाकई में जो चीजें बच्चियों के मन में डर के रह रही थी या डर का विषय बनी हुई थी, आज उससे वो उजागर कर पाई। सबसे अच्छी चीज जो आज प्रशासन के द्वारा हमें सिखाई गई वो थी, जैसे हमने एक अभियान सुना था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ साथ हमने सीखा कि किस तरह हमें बच्चों, बेटों को भी पढ़ाना चाहिए और बेटों को भी सिखाना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, वो सारा सब कुछ आज हमने इस प्रशिक्षण में सीखा, जिसको सीख कर सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे बहुत ही गौरवान्वित हुए। नमस्कार। बोले बेटी बचाओ बेटी अभियान के बारे में, बहुत अच्छा स्कूल में प्रोग्राम किया गया है, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट होगा और हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और इस बारे में तो मैं सभी से कहना चाहूंगी कि अपनी अपनी बेटी को एकदम स्ट्रांग बनाएं, बहादुर बनाएं, बिल्कुल भी उनको कमजोर ना पड़ने दें। उन्हें सिखाएं कि बेटा बेटी भी सब कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है बेटे ही कर सकते हैं, बेटियां भी सब कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, तो हमको बहादुर होना चाहिए। और जैसा कि मुझे, मैं जानती हूँ कि जो भी गलती हो, जो भी मतलब कोई भी गलत करे, गलत काम करे, उसको तुरंत फौरन बोलना चाहिए, तुरंत बोलो। मैं वनस्थली में पढ़ती है और मेरे मयंक वर्मा इस स्कूल में पढ़ते हैं, और आज सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हुई थी और उसमें काफी अच्छा उन्होंने समझाया, जिससे कि हमें काफी अच्छी रुचि मिली देखने को कि लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, लड़कियों को खूब पढ़ाना चाहिए और लड़कियां अपना आत्मनिर्भर बनना चाहिए। काफी अच्छा मिला सुन के, और हम चाहते हैं कि लड़कियां भी अब आगे ही बढ़े और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। 31/08/2024 को किड्स वनस्थली स्कूल कालिंदी विहार आगरा में बच्चों को एवं उनके अभिभावकों को संबोधन के लिए थाना ट्रांस यमुना से मैं अपने साथियों के साथ पर बच्चों को और उनके पेरेंट को जागरूक के संबंध में एक छोटा सा कार्यक्रम स्कूल में था,
जिसे सम्मिलित हुआ। आगरा के किड्स वनस्थली स्कूल का जो माहौल, जो बिल्डिंग, जो टीचर्स, जो स्टाफ है यहाँ का, वो काफी बहुत ही अच्छा है। मुझे मतलब काफी स्कूलों में मैंने गया तो ऐसा टीचिंग स्टाफ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं मिला मुझे। तो बच्चों के लिए तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है कि टीचर का जो टीचिंग का जो स्टाफ है बहुत अच्छा है। नमस्कार बुधवार, मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल चेयरमैन मित्र ग्रुप से हूँ, जिसके अंतर्गत आज किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत थाना ट्रांसमुना कॉलोनी से एंटी रोमियो टीम, जिसमें सुचिता जी, प्रिया जी, वर्मा जी व अन्य सदस्यगण उपस्थित हुए और छात्र छात्राओं को, माताओं को, बहनों को, महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। साथ ही उन्हें बताया गया कि मोबाइल का दुरुपयोग ना करें और किसी को भी अपना ओटीपी व पिन व पासवर्ड शेयर ना करें। साथ ही बच्चियों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना बताया गया कि कहीं जाते आते समय अपनी लोकेशन को ऑन रखें, जिससे कि अभिभावकों को, पेरेंट्स को पता लग सके कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। साथ ही छोटे बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में बताया और साथ ही क्रीड़ांगन में जाकर महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण, आत्मरक्षा के तरीके बताए गए, जिससे कि वे अपनी सुरक्षा कर सकें। इस अवसर पर मिफ्रे कोऑर्डिनेटर नुपुर जी, प्रधानाचार्य सुनैना नाथ, कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर व सभी अध्यापक अध्यापकों ने अत्यधिक योगदान दिया। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का, बच्चों का इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान रहा और सभी ने जीवन की अनमोल सीख ली। मैं इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और चाहता हूँ इसी प्रकार भविष्य में जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और सही तरीके से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।